तुझे नहीं पता, गांव के मंदिर में एक पहुंचा हुआ बाबा आया हुआ है, और वो अपनी धुनी से ना सबको कीमती कीमती चीजें दे रहा है। अच्छा? मैं तो कहती हूँ तू भी ले आ जाके। हाँ हाँ, तुम भी पुष्टि चाचा को बोल दो, वो भी जाके कुछ ले आएंगे। सच्ची कह रहे हो? तो अभी भेजती हूँ। देर होगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी ना। अभी जाऊँ? तब इतने दिन हो गए कत्तू, तब मैं सुन रहा नहीं सुन रहा। अरे हुआ क्या भगवान, ये भी तो बता। तब मैं कुछ पता मोहल्ले में क्यों रहा? चमत्कारी बाबा आ रहे मंदिर में और सबको कुछ ना कुछ दे रहे, और तुम इसमें पांच मांग लगा ले हिट पड़ रही है। अरे जो बाबा खुद फक्कड़ है, मुझे क्या देगा बाबा जी का घंटा? आगे तो बोलने की जरूरत है ना, जो कह रही ना इतना सुन। ऐसा है भगवान, मेरी बात सुन ले, वो बाबा अब्बा कुछ नहीं, ढोंगी बाबा होगा। और फिर तू क्या जानू बता, मैं नुचाऊ मेरे जरा सब कुछ हो, तन्ने बिल्कुल कंगाल कर रखी घर में पड़े रहे। अरे तू कब तक कोसती रहेगी मुझे, कब तक कोसेगी ये बता। जब तक कहीं जाने का ना काम पे इनमें लगा रहे, कभी कुछ कभी कुछ, ये तेरे लिए काम है भाई। मुझे पता तू नहीं मानेगी, ठीक है जा रहा हूँ तेरे उस पापा के पास, देखता हूँ क्या देगा मुझे वो बाबा जी का घंटा, लेके आ रहा हूँ, देख लिया तू भी है काम कर ले, आ रहा हूँ मैं। अरे भाई, अरे भाई सुनिए 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 भाई, क्या दिया बाबा ने तुम्हें? मुझे दिए सोने के सिक्के। अच्छा? मुझे दिए पैसों की गड्डी। कमाल है। और मुझे दी चिलम, इसमें तम्बाकू रखने की जरूरत नहीं, फूक मारो और धुआं निकलेगा। अरे वाह, ऐसे? हाँ जी। ओ भाई वाह, कमाल कर दिया बाबा ने, बहुत अच्छी अच्छी चीज दे दी। चलो मैं भी लेकर आता हूँ बाबा से। जाओ तुम मैं भी जाता हूँ भाई। घर वाली सही कहती, बाबा जरूर कुछ ना कुछ दे रहे, मैं लेट हो गया, मैं भी जाता हूँ देखता हूँ बाबा क्या देते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम बाबा। प्रणाम। लगता है इस गांव में तुमसे बड़ा आलसी कोई नहीं है। कैसे बाबा? पूरे 5 दिन हो गए गांव के लोगों की भीड़ लगी हुई है और तुम आ जाए हो। वो क्या है कि बाबा, मैं क्या? वो क्या है बाबा, मैं तो दिन भर खाली रहता हूँ, घर वाली जाती है काम पर, इसलिए मैं जरा थोड़ा देर होगी। ताकि घर को कोई उठाकर ना ले जाए। वो क्या है बाबा, लगता है आप तो सचमुच में अंतर्यामी हो। फिर आज क्यों आए हो? वो क्या है कि बाबा, आज घरवाली घर पे है, मैंने सुना है आप यहाँ लोगों को खजाना बांट रहे हो। तुमने आने में बहुत देर कर दी बच्चा, अब हमारे पास कुछ नहीं। ऐसे ना कहो बाबा, अब मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा। जो लोग आलस से परिपूर्ण नींद में सोए रहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता बच्चा, जाओ यहाँ से लौट जाओ। ऐसे न कहो बाबा, खाली हाथ गया तो बीवी बहुत मारेगी, अब आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेके ही जाऊंगा। मैंने कहा अब कुछ नहीं है मेरे पास, जाओ लौट जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं जाऊँ बाबा, चाहे कुछ भी हो जा, खाली हाथ भेजोगे किसी धुने में सती हो जाऊंगा। हूँ सती? हाँ हूँ क्या? बस रुक जा, इस धुनी को छुकर पवित्र मत कर। जल्दी से कुछ तो। तू नहीं मानेगा मूर्ख। बिल्कुल नहीं। ले ये टल्ली है मेरे पास, ये भी ले जा। टल्ली? भला इस टल्ली का मैं क्या करूँगा, मेरे तरह तो गाय भैंस भी नहीं जो उनके गले में बांध दूँ। मूर्ख, तू इसे साधारण टल्ली समझ रहा है जो गाय भैंस के गले में बांधेगा? ले जा इसी को। तो फिर ये किस काम आवेगी? मैंने कहा ये चमत्कारी टल्ली है, सवा हाथ धरती लीप कर जो कुछ भी मांगेगा तुझे मिल जाएगा। हलवा पूरी खीर सब कुछ? हाँ सब। लेकिन लेकिन क्या गुरुदेव? जो भी चीज तुम इससे मांगोगे पड़ोसी के घर में दुगनी बन जाएगी। बस यही सबसे बड़ी गड़बड़ है पापा, पड़ोसी तो वैसे ही मेरे सज्जन है और मेरे से घने अमीर है, वो तो और अमीर हो जाएंगे। अगर पड़ोसी से इतनी ही जलन है
तो लाए इसे वापस कर। अरे नहीं नहीं बाबा, इसको मैं वापस नहीं करूंगा। लाओ मुझे दो, मुझे दो, मैं इसका क्या इस्तेमाल करूंगा बाबा। बाबा छोड़ दो, बाबा बच्चा हुआ आपका। बाबा मैं इसका क्या इस्तेमाल करूंगा ये मैं जानता हूँ। मेहरबानी बाबा, प्रणाम। इतनी देर होगी, पता आप लोग नहीं आए, पता नहीं बाबा ने कुछ दिया या नहीं। हद होगी भाई, जा जा वहीं रुक जा। क्या हो गया, कहाँ रह गए थे? देख तू आंख तरस गई। वो तो ठीक है, पर तू भगवान को तो देख ले कर, पति पांतो बैठा तू सिराने बैठी, कुछ तो शर्म कर लिया कर। इंगा जब बताऊंगा ले। अब ठीक है, कम से कम थोड़ा घना सम्मान तो मिला। एक बात बताऊं, यो दी बाबा ने टल्ली सारे काम को तो सोना चांदी के सिक्के दिए और तब मैं थमा दी टल्ली। बाबा ने कहा आखिर में यो ही बची मेरे घर है। मैंने सोचा क्यों खाली आग जाऊं, मैं इसलिए इसे ही लिया है। सत्यानाश हो तेरा, तुझे पहले ही कहूं थी जल्दी चला जा, पर तू तो यहीं पड़ा रहे ना, मुश्किल ना बन जा। इब क्या करेगा उस टल्ली का? अरे ये साधारण टल्ली ना है, बहुत चमत्कारिक टल्ली है। सच्ची बाबा ने कहा है सवा हाथ धरती लीप के इस टल्ली को रख दो और इससे सच्चे मन से जो कुछ भी मांगोगे सब कुछ मिल जाएगा। पूरी सब्जी भी? हाँ। हलवा भी? हाँ। समोसे भी? हाँ। ब्रेड पकौड़े भी? हाँ। फिर तो मजा आ गया, रोटी बनानी बंद है? पत्ते चट्टा करूँ? नहीं ऐसा बिल्कुल ना करिए। बाबा ने एक बात और कही, उसने कहा कि जितना तुम इस टाली से मांगोगे उतना ही पड़ोसियों के घर में भी दुगना बन जाएगा। क्या हुआ, हमारे घर में खाना उतना बन जाएगा, भूखे मरेंगे? देख ऐसी गलती बिल्कुल ना करिए, पड़ोसी तुम्हारे से पहले ही अमीर है। अच्छा? अगर उन्हें फ्री का राशन मिल गया ना तो एक गज लंबी जीभ निकालेंगे हमें चुराने को। फिर इसका क्या फायदा, कम से कम बाबा ऐसी चीज तो देखता जिससे हमारी तरक्की होती, बीच में पड़ोसी घुसा दिए। अरे मुझे इसी बात का तो दुख है, हमारी तरक्की हो या ना हो पर पड़ोसियों की तरक्की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सारी उम्र नमक की रोटी देखी गई हमारे घर में। अरे तू चिंता क्यों कर रही है, मैं बाहर जा रहा हूँ और कुछ सब्जी का जुगाड़ करके ला रहा हूँ, जब तक तू पकड़ इस टाली को ना संदूक में रखियो संभाल के। अच्छा। और देख इस्तेमाल बिल्कुल ना करियो। चल ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आइयो। जाओ भाई पहले सब्जी का जुगाड़ करके लाओ। और सुनाओ भाई बेटे क्या हाल है? चाचा ठीक है, तुम सुनाओ? बस बहुत बढ़िया भाई, सब्जी तो ताजी है ना? हाँ चाचा ताजी सब्जी है। अच्छा एक बात बता, ये पेठा क्या भाव दिया भाई? पेठा 20 रुपए किलो। और ये घिया? घिया 20 रुपए किलो। और ये टमाटर? टमाटर 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो? हाँ चाचा। अच्छा और ये गोभी? गोभी 20 रुपए किलो। गोभी तो अजीब सी लग रही, 20 रुपए किलो? हाँ चाचा। पर तुम्हें चाहिए क्या? मुझे भाई देख मेरे पास 5 रुपए हैं बेटा, 5 रुपए हैं पकड़, और इस 5 रुपए का मुझे थोड़ा थोड़ा सारा आइटम दे दे। भैया चाचा 5 रुपए में तो कुछ नहीं आने का। देख एक बार सुन, देता हूँ दे दे, ना तो मेरे पैसे वापस कर। चलो लाओ चाचा, बोहनी खराब नहीं होने की, सुबह का टाइम है। हाँ चल भाई दे। लो कमाल है, इतना थोड़ा सा। अरे सड़ा हुआ टमाटर, अरे भाई सड़ा हुआ टमाटर क्यों दे रहा है? चाचा 5 रुपए में तो इतना ही आएगा। इतना ही आएगा और गोभी इतनी सी? हाँ चाचा। हाथ धो गई? जाओ खूब सब्जी बनाओ तरीदार और पूरे गांव को खिलाओ। देख भाई गांव वालों की बात मत करियो, गांव वालों से मैं बहुत खिलस हूँ, वो मेरे तो आगे नहीं बढ़ने चाहिए बिल्कुल भी। देख उनकी बात करेगा, उनकी फिराल लेगा तो ले अपनी सब्जी वापस। मैं चाचा ले जाओ, बस हाथ जुड़वाओ और जाओ। अच्छा ठीक है, ला पन्नी तो दे। लो पन्नी ले जाओ। ला भाई आज बनेगी सब्जी। घरवाली कह रही थी घर में सब्जी नहीं, आज बनवाऊंगा तरी वाली सब्जी। वो कह रहे थे तो टल्ली चमत्कारी
मांग के देखू देगी या ना। हे गुरु महाराज, पूरी सब्जी की आस है, नमक की रोटी खाते खाते आंत सड़ गई, देखो दे देना। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय। बाबा तूने मेरी सुन ली, मौजी आ गई पूरी, समझी अब तो दिखाऊंगी और उन्हें भी खिलाऊंगी और मौज आ जाएगी और बाबा की जय हो। अरे बाबा की जय हो, अरे बाबा तेरी जय हो, तेरी टल्ली की जय हो। अरे भाई आज गांव में भंडारा हो रहा है क्या? अरे आपको नहीं पता, ये सब बाबा का चमत्कार है। रात को अचानक ही गांव में हर घर में अचानक ही पूरी सब्जी बन गई। कमाल है भाई, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? पूरा परिवार तो चख लिया, अब सब लोगों को बांट बांट कर पुण्य कमा रहे हैं। अच्छा भाई, और घर भी लेके जाना, और कई दिन तक खाना? अच्छा कई दिन तक खाना, बहुत बढ़िया भाई। ये चमत्कार हुआ कैसे तो बता दो। बस क्या बताएं, जब से इस गांव में चमत्कारी बाबा आए हैं ना, तब से तो मजे ही आ गए। मुझे पता है ये चमत्कार बाबा अब्बा का ना है, ये चमत्कार मेरी लुगाई का है। वो कैसे? अभी जाके पूछता हूँ। हे गुरु महाराज, आज तो पूरी सब्जी खा गए, काया मस्त होगी। इस नाच पिटते ने तो नमक की खा खा के मेरी जिंदगी खराब कर रखी थी। आ तो नीरा, उसके आने से पहले गुरु महाराज सुनने कुंडल और मांग लू। मोची आज की फिर तो हे गुरु महाराज, बस इतनी सुनी, बस एक और सुनने सुनने के बस। अब एक एक शब्द और आके चल निकालिए। क्या हो गया? हाँ। तन्ने तो नाच ही कर दिया बिल्कुल। कैसा? पूरे गांव में पूरी सब्जी बट रही, भंडारा खुल गया, तन्ने पूरी सब्जी मांगी थी। हाँ। अरे इसी वजह से सब गड़बड़ होगी, जानते हो क्या हाल हो रहा है? पूरे गांव में हलवा पूरी बट रही है। तो मैं क्या करूँ? होन दे। अरे तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर यूं ही होता रहा ना, एक दिन पड़ोसी तो मारते अमीर हो जाएंगे और हमें कौन पूछेगा फिर। तो ऐसा काम करो ना कि वे गरीब हो जा और हम अमीर हो जा और मौज तरह वे। हाँ ये बात ठीक है, आइडिया का अभी बताता हूँ। इधर हट, अब देख मेरा चमत्कार, मैं क्या करता हूँ ये पड़ोसी तो याद रखेंगे। हे गुरुमहाराज की टाली, मेरे कान से सुनना बंद हो जाए। जरा बोल। पुछी पुछी, अरे पुछी, अरे तेरे होठ फड़फड़ा रहे, बोल तो कुछ नहीं रही, जोर से बोल। पुछी। सचमुच में भाई मेरे तो एक कान से सुनना बंद हो गया है। इसका मतलब ये है कि पूरे गांव में सारे के सारे बहरे हो गए होंगे। अच्छा देखा मेरे दिमाग का कमाल। सुन मैं जरा देख के आता हूँ पूरे गांव में कितने लोग बहरे हो गए हैं। अरे मेरे लट्टू, दिमाग तो बहुत लड़ावे, मौज करती कदी कदी तो ही दिमाग की बात कर दे। अरे पूरी तो खत्म हो गई,
अरे और ले आओ जाके पूरी सब्जी। अरे कैसे हो, फड़फड़ा रहे हो, क्या हो गया? अरे मेरे को लग रहा सब लोग बहरे हो गए, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे मुझे लगता है कि पूरी सब्जी खा के सब लोग बहरे हो गए हैं, पर ये कैसा चमत्कार है? क्या हो गया भाई, बहरे हो गया? हो गया मुझे पता है, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा ना, हो गया ना बहरे? मैं पहले ही कह रहा था, ठीक होना चाहते हो? हाँ। अच्छा ठीक होना चाहते हो? हाँ। दवाई चाहिए? हाँ। ठीक है तो फिर सब लोग पैसे दो, मैं सबको ठीक कर दूंगा। लाओ। वाह 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 भाई वाह वाह वाह, बाबा ने जितने नोट दिए थे ना, जितना चमत्कार दिखाया था, अब मैं दिखाऊंगा ये मेरे पड़ोसी, मेरे गांव वाले मेरे से आगे कैसे निकल सके। सबको मेरे से पीछे रहना पड़ेगा। मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है। संतो पूछी तुम आगे? अरे हाँ यार, देख मेरे दिमाग का कमाल, कैसे लोगों ने अपने कानों को ठीक कराने के लिए मुझे माला माल कर दिया, कितने पैसे दे दिए। पर मैं तो गिने बिन जा रहे, मैं तो चक्कर खा के जाऊंगी। पूछी तने तो मौज करती। हाँ अब ऐसी मौज हमेशा होती रहेगी। अच्छा? जानते क्यों? इंस्टा गुरु महाराज की स्टाइलिंग की वजह से है। जब भी ये गांव वाले बीमार होंगे हम ऐसे ही पैसा देते रहेंगे। मेरी जान मोजा जी की पैर दो। जानते इनको बीमार कौन करेगा? हम। और ठीक कौन करेगा? गुरु महाराज की टाली। और नोट कौन लेगा? हम। अरे पुच्ची कर मेरे। और मैं बताऊं, वे गरीब हो जाएंगे और हम अमीर हो जाएंगे और मौज करेंगे। वाह। और मेरी जान तेरे पर बारी जाऊं, हाय मेरे रसगुल्ले, हाय मेरी पिट्टी की मिठाई, हाय। कमाल है, ये क्या हो रहा है, पैसे को देख के पागल हो जाती है यार। एक काम कर। हाँ? इसको संदूक में रखा जल्दी। अरे भी दरकाऊं। और मैं उनके कान ठीक करवाने का जुगाड़ कर रहा हूँ। ताली कहाँ? टल्ली। अरे मेरी जान, ले टल्ली। हाँ जल्दी आ, तो रखे। अब देख। हाँ। कैसे मैं टल्ली के सारे उन सब के कान ठीक करता हूँ। मेरे कान ठीक होंगे, उनके भी हो जाएंगे। हे गुरु महाराज की टाली, मेरा जो कान खराब हुआ था वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। बोल। पुची। हाय हाय मेरी जान। हाय 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 हाय, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। है? और तू भी ठीक हो गई। है? इतना लाड और इतना प्यार मुझे पता है, पैसे की वजह से मिल रहा है। ऐसे ही ला के दूंगा। मैं तो मुझे रोज प्यार कर करूंगी। हाँ हाँ, ऐसा करते हैं, उनके सबके कान ठीक हो गए होंगे और जाके देखते हैं वहाँ क्या हो रहा होगा। चल मेरी जान, मैं भी चलूंगी। पुच्ची। बोल गुरुजी महाराज की जय। अरे जय हो बाबा तेरी, अरे जय हो, तेरे तो मुझे बांधी। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे सुन रहा है। अरे हाँ, सुन आ रही है। हमारे कान ठीक हो गए। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, आप सबके कान ठीक हो गए। हाँ, ठीक हो गए।
पर हम ये चमत्कार हुआ कैसे? कैसे हुआ बाबा? अरे भाई, इस चमत्कार का ठेका बाबा ने मुझे दे रखा है। जिंदगी में अगर कभी आपकी आंखें खराब हो जाएं, आपके घुटने खराब हो जाएं, लीवर खराब हो जाए, जिंदगी में कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी हो जाए, मेरे पास आ जाना, मैं चुटकी बजा के ठीक कर दूंगा। लेकिन कुछ पैसा देना होगा क्योंकि पैसा लेने के बाद मैं अरे इनको क्या? अरे हमारे कान ठीक हो गए, इनके बाद चली गई। जय श्री करनी, जय श्री भरनी।